लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का अभियान अब तेज होता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को ग्वालियर पहुंच रहे हैं, जहां वह ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। खास बात यह है कि शाह के दौरे से पहले प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चीफ जीतू पटवारी के एक बयान पर पलटवार किया। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर क्लस्टर का प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया है। ऐसे में शाह के दौरे की तैयारियों के लिए भूपेंद्र सिंह ग्वालियर पहुंचे थे। यहां अब उनसे पत्रकारों ने जीतू पटवारी के एक बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, जीतू पटवारी की बात सुनता कौन है, वह तो खुद ही चुनाव हार गए हैं। पटवारी लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह की बयानबाजी की है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। तो माननीय अमित शाह जी 25 तारीख को ग्वालियर आ रहे हैं और ग्वालियर देशभर की 4 लोकसभा क्षेत्र की प्रबंध समिति और कोर समिति की बैठक बोल रहे हैं। लोगों से कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और मार्गदर्शन का हम सबको प्राप्त हो गया। उसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज जीत पटवारी की बात सुनता हो खुद ही चुनाव आ रहे क्या उनकी ये कहने से क्या होता है, उनको सब जनता तय करती है। जीतू पटवारी सब पहले भी कहते थे खुद ही चुनाव आ रहे हैं।